वेलकम टू टेकबल्क। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या होते हैं स्टैकेबल और चेसिस स्विचेस, क्या होता है इनमें डिफरेंस और कैसे करते हैं ये काम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो कीजिएगा ही, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते रहिए टेकबल्क। सबसे पहले बात करते हैं स्टैकेबल स्विचेस की, तो यह भी एक टाइप के नेटवर्क स्विचेस ही होते हैं। इनमें भी सभी नेटवर्क स्विच वाले फीचर्स होते हैं, पर इन स्विचेस में एक फीचर एक्स्ट्रा होता है, वो है स्विच स्टैकिंग। आइए स्टैकिंग को समझते हैं। स्टैकिंग एक टेक्निक है जिससे हम बहुत सारे नेटवर्क स्विचेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू स्टैकेबल केबल लाइक DAC और AOC। इस टेक्निक की हेल्प से हमारे नेटवर्क स्विचेस फिजिकली तो अलग अलग होते हैं, पर लॉजिकली वो एक स्विच में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे हमें इन्हें मैनेज करना आसान हो जाता है। यह स्विचेस एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए रिंग टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। स्विच स्टैकिंग होने के बाद इनमें से एक स्विच मास्टर बन जाता है और दूसरा स्विच बैकअप मास्टर स्विच बन जाता है, और बाकी स्विचेस स्लेव स्विचेस बन जाते हैं जो मास्टर स्विचेस के इंस्ट्रक्शन पर वर्क करते हैं, और इनमें हर स्विचेस की एक यूनिक स्टैक आईडी होती है। स्टैकिंग के थ्रू हम 8 स्विचेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और कई बार ये स्विच मॉडल और कंपनी पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे वेंडर इन स्विचेस को बनाते हैं लाइक डेल, HP, सिस्को, जूनिपर। अब बात करते हैं चेसिस स्विचेस की, तो इन्हें मीडियम और बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज ए कोर स्विच डिज़ाइन किया जाता है। चेसिस स्विचेस कुछ एडवांस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फीचर्स के साथ आते हैं जो हमें स्टैकेबल स्विचेस में नहीं मिलते। अगर बात करते हैं इनके सॉफ्टवेयर फीचर्स की, तो इनमें एक हाई परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट आता है जो इन्हें हाई ड्यूरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। और अब बात करते हैं इनके हार्डवेयर फीचर्स की, तो चेसिस स्विच एक मेटल का आर्किटेक्चर होता है, इसके अंदर कहीं इथरनेट और फाइबर लाइन कार्ड्स होते हैं, और इन स्विचेस की प्रोसेसिंग सुपरवाइजर इंजन से होती है जो लाइन कार्ड्स के ऊपर लगा होता है। सुपरवाइजर इंजन के अंदर हाई प्रोसेसर हाई NV रैम लगी होती है जो इन्हें फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड प्रोवाइड कराती है, और इनके अंदर 2 सुपरवाइजर इंजन लगे होते हैं। अगर कभी हमारा एक इंजन सडनली बंद हो जाता है तो हमारी सारी प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली दूसरे इंजन पर ट्रांसफ़र हो जाती है, और ऐसे ही इनके अंदर 2 पावर सप्लाई लगी होती है। अगर कभी हमारी एक पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो यह ऑटोमेटिकली सारा लोड दूसरी पावर सप्लाई पर ट्रांसफ़र कर देता है। और इन सारे इक्विपमेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इनमें बैक प्लेन लगा होता है। बैक प्लेन एक सॉकेट सर्किट बोर्ड है जो चेसी में माउंट होता है। यह स्विचेस हमें हाई डेटा रेट ट्रांसफ़र प्रोवाइड कराते हैं। इनमें हमें 10 गीग से 100 गीग तक SFP+ पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इन स्विचेस की हाईली डिमांड ISP लाइक जियो, एयरटेल और बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक Amazon, Google में होती है, जो अपने नेटवर्क में एक मिनट का भी डाउन टाइम नहीं आने देना चाहते। और अब बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की, तो स्टैकेबल स्विचेस लेस एक्सपेंसिव होते हैं और हम इनके साइज को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। स्टैकेबल स्विचेस को एक्सेस लेयर के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये लेस स्पेस कंज्यूम करते हैं और इनकी परफॉर्मेंस एवरेज होती है, जबकि चेसिस स्विचेस हाई एक्सपेंसिव होते हैं और इन्हें डिप्लॉय करना बहुत ही आसान होता है। चेसिस स्विचेस को कोल्ड लेयर के लिए डिज़ाइन किया जाता है और इन्हें मैनेज और अपग्रेड करना भी आसान होता है। इनकी परफॉर्मेंस हाई होती है पर ये बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं।